नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी कला के लिए है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भर्ती आई है टीजीटी पीजीटी कला की, और कला में 148 पद खाते में आए हैं। किसमें? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट में 148 पद खाते में आए हैं। 148 पदों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है बेटा, तो हो सकता पद बढ़ जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल 148 है। हमें 148 को लक्ष्य बना करके चलना होगा। हमारा टारगेट होगा 148 फतेह करना। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ देने के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग रिजल्ट अच्छा ले करके आएंगे। उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सटीक रणनीति बनाए हुए हैं, निश्चित रूप से उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी उस पर साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे कि योग्य शिक्षक बनेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी के क्रम में आज पहला मॉडल पेपर हैंड रिटन वाला आ गया है। पहला मॉडल पेपर है बेटा, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 01 टीजीटी पीजीटी कला के लिए है बेटा। हमारा उद्देश्य है 148 फतेह करना, 120 बटा 125 का मार्क लाना। अब 120 बटा 125 ले आइए, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन होने में। 120 बटा 125 प्रश्न सही होने के बाद कोई भी नहीं रोक सकता आपको फाइनली सेलेक्ट होने में। 120 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं, बस हमारा सपना है 120 बटा 125 पूरा करना। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए 120 बटा 125 हम लोग लेकर के चल रहे हैं। मॉडल पेपर पहला है बेटा, क्वेश्चंस भी बहुत नए नए अंदाज में होंगे। हालांकि हमने ज़्यादातर टॉपिक पढ़ा रखा है, लगभग टॉपिक कंप्लीट है। तो जो लोग पुराने बैच में थे, पहले बैच में थे, उनका तो यहाँ क्वेश्चंस खूब अच्छे से सही जाना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग प्रीवियस डाटा खूब रिकॉल कर लिए होंगे, खूब ज़्यादा रिवीजन कर रखे होंगे। लेकिन जो लोग सेकंड बैच में जुड़े हुए हैं 19/6/2022 वाले बैच में, उन लोगों का काफ़ी हद तक जो है सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है, तो उनका भी क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से सही होना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद के साथ ही कार्य करता हूँ। ये वीडियो पब्लिक रहेगा बेटा, सभी लोग देखेंगे और सभी लोग अपना प्यार दुलार बनाएं, इसीलिए इसे पब्लिक किया जा रहा है। आगे का विचार आगे वीडियो में हम लोग देंगे। फिलहाल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस मॉडल पेपर पहले में लिया गया पहला क्वेश्चंस प्रेहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है बेटा? ऑप्शंस में है स्टुअर्ट पिगॉट, जॉन यूल, कर्निंगहम या फिर रॉबर्ट्स ब्रूस फुट। राइट आंसर क्या होगा बेटा? प्रेहिस्टोरिक इंडिका को लिखने का काम आप जानते होंगे किसका रहा है, तो स्टुअर्ट पिगॉट साहब का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। ज़्यादातर लोगों का प्रश्न सही गया होगा, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या दो की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए? ज़्यादातर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं बेटा, वो भी भारत में? ऑप्शन दिया गया चिरांद, पटना, बुर्ज होम, मेहरगढ़ या फिर विंध्याचल। तो बेटा हड्डी के उपकरण ज़्यादातर भारत में जो पाए गए हैं वो पटना वाला बेल्ट होता है, चिरांद स्थान है, हड्डी से उपकरण ज़्यादा मिले हैं। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या तीन की तरफ बढ़ते हैं। तीन में कहा गया है पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ है? पालिश लगाना कहाँ से स्टार्ट होता बेटा? सिंधु सभ्यता से, मध्य पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, या फिर नव पाषाण काल जिसे हम लोग उत्तर पाषाण काल के नाम से जानते हैं वहाँ से? तो बेटा पालिश लगाने की जो कला उत्पन्न होती है वो नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल से होती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। फिलहाल इसका जो PDF फाइल है बेटा वो आपको पेड ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सजेशन होता है, लेकिन सभी के सजेशन को माना नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग कहे सर आप जो ये PDF करवाते हैं इसे जो है हमें टिक लगा हुआ आंसर लगा हुआ PDF दीजिए ग्रुप में। बेटा अगर हम आंसर लगा हुआ PDF आपको दे देंगे तो आपकी तैयारी का क्या मतलब हुआ? PDF पहले शेयर कर दिया जाएगा, आप PDF देख लें आपका स्कोर कितना आ रहा है, फिर आप टेस्ट पेपर दें, देखें आपका स्कोर क्या है, रियल वैल्यू में आप अपना मूल्यांकन करें, उसके बाद बताएं स्वमूल्यांकन में आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं। तो ये है सही तरीका, मैं मानता हूँ। फिलहाल आपकी नज़रिए में क्या होता है वो आप जानें, हमारा जो मानना है मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं उसी पर काम करता रहूँगा।
मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे द्वारा यहाँ से करवाया जा रहा है वो आपके लिए बेटर है, इसलिए करवाया जा रहा है। अगर कुछ ज़रूरी सुझाव है तो उस पर विचार भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मनमानी ही चलता है, विचार किया जाता है उस पर, विचार अगर सही है तो उस पर माना भी जाता है और उस पर जो है अमल भी किया जाता है। फिलहाल प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, हाथ के छापे यूपी के किस क्षेत्र में शिला चित्रों में मिलते हैं। तो हाथ के छापे यूपी के किस क्षेत्र में शिला चित्रों पर ज़्यादातर दिखाई देते हैं बेटा? सोरोहो घाट में, सिंघनपुर में, भिल्डरिया में या फिर बेल्लारी में। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो सोरोहो घाट बनेगा। सोरोहो घाट में हाथ से बने शिला चित्र खूब दिखाई देते हैं। सोरोहो घाट राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है पंचमणि के खोजकर्ता हैं। पंचमणि को किसने खोजा बेटा? ऑप्शंस हैं बी एस वाकाणकर, डी एस गार्डन, सी ए सिल्वा रेड या फिर एफ फासेट। पंचमढ़ी को खोजने का काम आप जानते होंगे बेटा डी एस गार्डन साहब का रहा है। डी एस गार्डन पंचमढ़ी को कब खोजते हैं? तो सन होता है 1936 का। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा, डी एस गार्डन 1936। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में कहा गया बेटा द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं सी ए सिल्वा रेड, डी एस गार्डन, मनोरंजन घोष या फिर कार्लाइल। बेटा द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स रचना जो मानी जाती है वो मानी जाती है किसकी? डी एच गार्डन साहब की मानी जाती है। डी एच गार्डन राइट आंसर बनेंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर, जिन्होंने पंचमणि खोजा था 1936 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा महामाहिस का अंकित चित्र कहाँ पे है? तो महामाहिस बेटा 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है, कहाँ बनाया गया है? बेल्लारी में, बांदा में, सिंघनपुर में या फिर होशंगाबाद में। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो 10x6 का महामाहिस होशंगाबाद में चित्रित है बेटा। राइट आंसर जो है डी बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर भी उठा के बैठे होंगे, आप अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे होंगे, जहाँ भी डाउट लग रहा होगा तुरंत नोट डाउन कर ले रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक को लिखने का काम किसका रहा है बेटा? असित कुमार हलधर, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर जगदीश गुप्ता या फिर स्टुअर्ट पिगॉट। आवर हेरिटेज इन आर्ट जो पुस्तक है बेटा असित कुमार हलधर की है। राइट आंसर असित कुमार हलधर बनेंगे। असित कुमार हलधर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो लखनऊ वार्ड कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाने का गौरव भी प्राप्त है। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं चित्रित होती हैं बेटा? भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं चित्रित हैं? ऑप्शंस हैं 375, 175, 475, 275। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कई किताब 475 लिखे हुए दिखाए जा रहे हैं बेटा, जबकि 275 राइट आंसर है, 275 ऑथेंटिक आंसर है। कई बार आयोग भी इसे सही ठहरा चुका है, प्रमाणिक बुक में भी 275 राइट आंसर दिया गया है। तो 275 राइट आंसर होगा बेटा, सी के साथ राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया जादू के विश्वास के मैक्सिमम चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो जादू के विश्वास को मैक्सिमम ज़्यादा कहाँ दर्शाया गया है बेटा? रायचूर में, बेल्लारी में, कोटा राजस्थान में या फिर वायनाड में। तो जादू के विश्वास को जो दर्शाने का प्रयास रहा है बेटा वो बेल्लारी वाला बेल्ट होता है। बेल्लारी आप जानते हैं दक्षिण भारत का कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, कर्नाटका, तो कर्नाटका वाला बेल्ट होता है बेल्लारी, वहीं पे ज़्यादातर जादू के विश्वास के चित्र बनाए गए हैं। बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति की हाइट क्या है बेटा? नटराज की हाइट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार छाप दीजिएगा बेटा। 9.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर या फिर 11.2 सेंटीमीटर। बेटा नटराज मूर्ति पूछा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.2 सेंटीमीटर। 9.2 सेंटीमीटर अगर इसे हम लोग इंच में देखें तो 3.6 इंच होता है या फिर 3.8 इंच मान लेते हैं, कई जगह 3.7 इंच बटा 8 इंच मान लेते हैं। तो इस टाइप से डाटा दिया जाता है। फिलहाल 9.2 सेंटीमीटर नटराज की मूर्ति की हाइट है, ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस में है लोथल, सुरकोटदा,
कालीबंगा या फिर दायमाबाद। बेटा घोड़े की जो अस्थियां हैं वो मूल रूप से कहां से प्राप्त होंगी, तो आप जानते हैं राइट आंसर सुरकोटदा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण कहां से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बने 424 यंत्रों के उदाहरण कहां से मिले हैं बेटा, गुंजेरिया मध्य प्रदेश, दायमाबाद महाराष्ट्र, बांदा उत्तर प्रदेश या फिर बनावली हरियाणा। तो तांबे के बने 424 यंत्रों के जो उदाहरण मिले हैं बेटा वो कहाँ से मिले हैं, गुंजेरिया मध्य प्रदेश से मिले हैं, गुंजेरिया मध्य प्रदेश से मिले हैं, गुंजेरिया मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में कहा जाता है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ खुदाई से प्राप्त हुई। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, आलमगीरपुर से, सुतका गेंडोर से, मोहन जोदाड़ो से या फिर रोपड़ से। बेटा दुशाला ओढ़े योगी की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो आप जानते हैं मृतकों का टीला से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग मोहन जोदाड़ो के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अच्छा बहुत सारे लोग जो है पेशेंस बना के नहीं बैठते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत स्लो पढ़ाते हैं। बेटा आप लोग कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कैसी है शैली। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना हुआ हल कहे या फिर टेराकोटा या पकी हुई मिट्टी का हल पूछे, कहाँ से मिला है बेटा, बनावली से, रोपड़ से, कालीबंगन से, चनहुदड़ो से। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बनावली हरियाणा हो जाएगा, राइट आंसर ए के साथ बनेगा, मिट्टी का बना हुआ हल बनावली से मिला है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, रोपड़ से, चनहुदड़ो से, कालीबंगन से या फिर लोथल से। बेटा वक्राकार ईंटें मूल रूप से कहाँ से मिली हैं, तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो राइट आंसर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है, जोगी मारा की गुफा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका के, महाराष्ट्र में या फिर श्रीलंका में। बेटा जो जोगी मारा की गुफा है आप सब जानते होंगे रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, नहीं रायगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। पहले जोगी मारा जो है सरगुजा जनपद में हुआ करती थी और सरगुजा जनपद पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता, बाद में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तो छत्तीसगढ़ तब से राइट आंसर जोगी मारा के लिए बनना स्टार्ट हो गया, तो राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया चतुर्थ बौद्ध संगीतियां कहां हुई हैं। चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई है बेटा, कश्मीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर राजगृह में। बेटा चौथी बौद्ध संगीति जो आयोजित होती है आप जानते होंगे कश्मीर में होती है और कनिष्क के समय में होती है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित होती है, कश्मीर में होती है। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा जाता है अजंता गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में किसने की थी। बेटा ये सन याद रखना है, 1819 ईस्वी किसने खोजा था, काकबर्न, जान स्मिथ, जगदीश गुप्ता या फिर लामा तारानाथ। बेटा अजंता गुफा को 1819 ईस्वी में किसने खोजा, तो आप जानते हैं जान स्मिथ साहब खोजते हैं। राइट आंसर कहाँ है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा जाता है बदामी गुफा संख्या 1 की छवियां। बदामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं क्या, नटराज शिव की, आदिनाथ की, नेमीनाथ की या फिर ऋषभ देव की। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो बदामी गुफा संख्या 1 की जो छवि मानी जाती है वो नटराज शिव की मानी जाती है। नटराज शिव बदामी गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। राइट आंसर ए बनेगा, बदामी गुफा यानी नटराज शिव इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में कहा जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बन के तैयार हो गई। अजंता और एलोरा गुफा कितने सालों में बन के तैयार हो गई, 1500 वर्ष, 1300 वर्ष, 1800 वर्ष या फिर 1100 वर्ष। तो बड़ा अजंता और एलोरा की जो गुफा है मूल रूप से 1100 वर्षों में बनकर के तैयार होती है। राइट आंसर डी बन रहा है, स्टार छाप लीजिएगा बेटा इस वाले क्वेश्चंस पे। प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। पूछा जाता है राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है। राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में चित्रित है बेटा, ऑप्शन दिया गया गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 1। राहुल समर्पण के लिए जिम्मेदार गुफा कौन सी है बेटा, तो जहां सबसे ज्यादा जो है चित्र पाए जाएंगे, जिसे हम लोग चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं, गुफा संख्या 17 में ही राहुल समर्पण भी चित्रित हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में कहा गया है, गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है बेटा। ऑप्शन हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, गया, बिहार। राइट आंसर क्या होगा बेटा, ज़्यादातर लोग इसका राइट आंसर जान गए होंगे, कुशीनगर वाले तो इसे बहुत भली भांति जानते हैं। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन हैं राजगीर, पटना, मोतिहारी, छपरा। बेटा विश्व का शांति स्तूप जो स्थित है आप जानते हैं राजगीर बिहार में स्थित है, विश्व शांति स्तूप वही कहा जाता है, तो राजगीर बिहार राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका के मुंबई में। बेटा बाघ की जो गुफा पाई जाती है आप जानते हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, डेजर फील्ड साहब खोजते हैं, 1818 ईस्वी में खोजी जाती है। बाघ में टोटल कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश यानी सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में बाघ गुफा स्थित है। डी राइट आंसर बन रहा है, सभी नाम याद रखने होंगे। डेजर फील्ड साहब को भी 9 गुफाएं होती हैं, 1818 में खोजा जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है। अर्धनारीश्वर का फेमस चित्र कहाँ से मिलता है बेटा, बदामी से, अजंता से, सत्यनवासल से या फिर एलोरा से। बेटा अर्धनारीश्वर का जो फेमस चित्र है आप जानते हैं सत्यनवासल गुफा से प्राप्त होता है। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा, सत्यनवासल इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया पंचतंत्र के लेखक हैं कौन, वात्स्यायन, दांडिन, विष्णु शर्मा या फिर वाणभट्ट। बड़ा पंचतंत्र को लिखने का काम किसका रहा है, आप जानते हैं विष्णु शर्मा जी की अच्छी रचना मानी जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। पूछा गया बिरजू महाराज का संबंध किससे है बेटा। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से, कुचिपुड़ी से, कथकली से या फिर भरतनाट्यम से। राइट आंसर क्या होगा बेटा, कथक से संबंध है बिरजू महाराज का, कथक राइट आंसर ए होगा। अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस कब आते हैं। बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कराए जा रहे हैं। 20 हस्तलिखित मॉडल पेपर हमने कराने का दृढ़ निश्चय किया था और वो अब कंप्लीट होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। बेटा गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते हैं मुंबई में स्थित है, मुंबई आजकल एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। राइट आंसर के साथ बन रहा है, उद्धव सरकार जा चुकी है, एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछा गया है 1925 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर हैं। बेटा जादूगर किसकी रचना है, गगनेंद्रनाथ टैगोर की, यामिनी राय की, के हब्बर की या फिर अमृता सिरगल की। बेटा जादूगर के लिए जिम्मेदार कौन है, जादूगर को गगनेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर, गगनेंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में कहा जाता है अमृता सिरगल ने अपना स्टेडियम कहाँ बनाया था। बेटा भारत में बनाया, पेरिस में बनाया, लाहौर में बनाया या फिर रूस में बनाया। अमृता सिरगल आती हैं, अपना आर्ट का स्टेडियो बनाती हैं कहाँ पे, पेरिस में। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसे अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। वायरन का भारतीय संस्करण किसे माना जाता है, अमृता सिरगल को, रामकिंकर वैश को, यामिनी राय को या फिर मकबूल फिदा हुसैन को। तो बेटा वायरन का भारतीय संस्करण किसे माना जाता है, अमृता सिरगल को माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ हो जाएंगे, अमृता सिरगल इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। पूछ लिया गया टेम्परा माध्यम में माँ और शिशु शीर्षक से कई चित्र बनाए हैं, ये किसकी रचना है। तो बेटा माँ और शिशु किसकी अच्छी रचना मानी जाती है, यामिनी राय की, अमृता सिरगल की, एम एफ हुसैन की या फिर सतीश गुजराल की। माँ और शिशु के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, तो आप जानते हैं माँ और शिशु को यामिनी राय ने बहुत अच्छे से सजेहा है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, यामिनी राय इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। पूछा गया वर्ड एंड लाइन पुस्तक, वर्ड एंड लाइन पुस्तक के लेखक कौन है, वर्ड एंड लाइन को किसने लिखा है। ऑप्शन हैं एस एच रजा, एफ एन सूजा, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैस। वर्ड एंड लाइन पुस्तक को लिखने का जो काम रहा है बेटा एफ एन सूजा साहब का रहा है, एफ एन सूजा राइट आंसर होंगे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में कहा जाता है, रवींद्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं? रवींद्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए बेटा? 2500, 1500, 35000 या फिर 4500। बेटा रवींद्रनाथ टैगोर ने ओवरऑल जो है चित्रों को बनाया है वो 2500 चित्र हैं। 2500 चित्रों को लगभग बनाया है। आप जानते होंगे 67 साल की अवस्था में रवींद्र बाबू चित्रकला की तरफ आते हैं और जो है दोनों हाथों से चित्रकारी करते हैं, हाथों से रंग भरना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी रंग खत्म हो जाता था तो ये फूलों को आपस में निचोड़ देते थे, उसके पंखुड़ियों से भी ये सजेने का काम करते थे, रंग भरने का काम कर देते थे। तो लगभग 2500 चित्र इन्होंने बनाए हैं, ये राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। पूछा गया सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? बेटा सौराष्ट्र किसकी रचना है? जानिन मोंजिला की, एसएच रचा की, एफएन सूजा की या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की? बेटा सौराष्ट्र के लिए जाने जाने वाले कलाकार हैं सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा यानी एसएच रचा राइट आंसर बनेंगे। सौराष्ट्र सैयद हैदर रजा की बहुत अच्छी पेंटिंग मानी जाती है। प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया प्रसिद्ध पेंटिंग नीली रात के चित्रकार हैं। नीली रात के चित्रकार कौन है बेटा? एफएन सूजा हैं, अमृता सेरगल हैं, एमएफ हुसैन हैं या फिर कृष्णजी हावलाजी आ रहा है? बड़ा नीली रात के लिए कौन जिम्मेदार है? नीली रात के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मकबूल फिदा हुसैन जिम्मेदार हैं। राइट आंसर एमएफ हुसैन बनेंगे। नीली रात अच्छी रचना मानी जाती है एमएफ हुसैन की। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रुखसाना पठान किसकी दत्तक पुत्री थी? रुखसाना पठान किसकी दत्तक पुत्री थी? ऑप्शन है एमएफ हुसैन, एफ एन सूजा, के हब्बर, के अचारा। बेटा रुखसाना पठान किसकी दत्तक पुत्री मानी जाती हैं? आप जानते हैं के अचारा की दत्तक पुत्री हैं। के अचारा राइट आंसर होंगे यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 में पूछा गया है संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना 1954 ईस्वी में कहाँ की गई थी? भोपाल में, जयपुर में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में? बड़ा संगीत नाटक अकेडमी को 1954 ईस्वी में इस्टेब्लिश करने का काम नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की बात हो रही है। 40 में पूछा जाता है भरहूत स्तूप स्थित है कहाँ पे? है भरहूत स्तूप बेटा सारनाथ उत्तर प्रदेश, गया बिहार, सतना मध्य प्रदेश, गंटूर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो भरहूत स्तूप के लिए जो जिम्मेदार हैं बेटा उन्हें हम लोग सतना मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। सतना मध्य प्रदेश यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कला क्या है? कला क्या है? प्रकृति का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है, भावों का चित्रण है या फिर कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है? बड़ा कला को हम लोग मूल रूप से किस नाम से जानते हैं? तो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला कहलाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में पूछा गया है यशोधर के चित्र षडांग के पुनर्व्याख्यान किस कलाकार ने किया है? तो षडांग का पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया बेटा? राजा रवि वर्मा ने, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने, सतीश गुजराल ने या फिर नंदलाल बोस ने? तो षडांग की पुनर्व्याख्या मूल रूप से किसने की है? षडांग की पुनर्व्याख्या अवनींद्रनाथ ठाकुर ने की है यानी अवनी बाबू ने की है। राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा। 42 का राइट आंसर अवनी बाबू बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 में पूछा गया है कि भारतीय शिल्प के षडांग के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प के षडांग को लिखने का काम किसका रहा है? अवनी बाबू, रवींद्रनाथ ठाकुर, यशोधर पंडित या फिर नंदनलाल बोस? बेटा भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक को जो लिखने का काम रहा है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। ऑप्शन से यहाँ यशोधर पंडित भी दिया है, बहुत सारे लोग यशोधर पंडित लगाएंगे। बेटा जयमंगला को लिखने का काम यशोधर पंडित का रहा है, जबकि भारतीय शिल्प के षडांग को लिखने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग आंसर्स हैं, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। राइट आंसर अवनी बाबू बनेंगे। प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? कामसूत्र को किसने अनुवादित किया? छमनेन्द्रनाथ ने, यशोधर पंडित ने, अभिनव गुप्त ने या फिर इनमें से कोई नहीं? बड़ा कामसूत्र को अनुवादित करने का काम जो किया गया है वो यशोधर पंडित के द्वारा किया गया है। राइट आंसर यशोधर पंडित बनेंगे यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 की बात कर ले रहे बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। पूछा गया दजला और फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या कहलाती है? मिस्र की सभ्यता, यूनानी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर पाकिस्तान की सभ्यता? बेटा दजला और फरात के बीच जो द्वाब होता है उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जन्म लेती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता इज द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं, पूछा गया दुशाला ओढ़ी योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, रामगढ़ से, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से या फिर लोथल से। आप देखेंगे दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है बेटा वो मृतकों को टीले से प्राप्त होती है यानी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समय लग रहा है रिपीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं, पूछा गया अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है, अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है। ऑप्शन हैं रोम, भारत, इटली, मिस्र। बेटा अमरत्व की कला जो कही जाती है वो मिस्र की कला को हम लोग अमरत्व की कला कहते हैं। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, मिस्र की कला इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं, 48 में कहा गया बैल का प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो से किस रूप में मिला है। बेटा बैल का जो आकृति मिला मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिला, पाषाण शिल्प में, ताम्र मोहर में, भित्ति चित्र में या फिर टेराकोटा शिल्प में। जो बैल का प्रसिद्ध आकृति चित्रण मिला है बेटा वो किस रूप में मिला है, तो टेराकोटा में मिला है। आप जानते होंगे टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होती है बेटा, उसी में बैल का प्रसिद्ध आकृति मिला है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं, पूछा गया बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं, कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व बादामी गुफा करती है। बेटा ऑप्शन में है चोल शैली, गुप्त शैली, चालुक्य शैली या फिर गांधार शैली। तो बेटा बादामी की गुफा मूल रूप से कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व किया करती है, तो चालुक्य शैली का किया करती है। चालुक्य यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया अल्टामीरा की गुफाएं हैं, अल्टामीरा की गुफाएं कैसी हैं बेटा, कहां पे स्थित हैं, काबुल में, कैरो में, स्पेन में या फिर रोम में। अल्टामीरा की गुफाएं आप जानते होंगे स्पेन में स्थित हैं। राइट आंसर बी बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, टीजीटी कला पूछने का सिलेबस क्या है बेटा। तो जो सिलेबस डिजाइन है वो तो पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर खूब अच्छे से पूछा जाता है, विविध के क्वेश्चंस खूब अच्छे से पूछे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस क्यों नहीं आता है। बेटा यहाँ मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस पूछने से अच्छा है वो आप जिस कला में आप जो है जिस विषय में आप टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपकी विशेषज्ञता को चेक करना चाहता है, इसलिए यहाँ आर्ट एंड कल्चर पूछ लिया जाता है। क्योंकि आप आर्ट के टीचर होने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए नया आर्टिस्ट कौन है और नए आर्टिस्ट के साथ साथ पुराने आर्टिस्ट कौन है, पुराने आर्टिस्ट की कौन सी पेंटिंग महंगी है, कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है, कौन सा जो है स्थान कहाँ पे है, स्थापत्य कला की दृष्टि से देखा जाए तो वो और चित्रकला की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी, आपको ये सब डाटा आना चाहिए, इसीलिए वो आर्ट एंड कल्चर पूछता है कला टीचर के लिए। नहीं तो आपसे ड्राइंग बनवाता और ड्राइंग के बारे में पूछता, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, तो वो मैथ का क्वेश्चन हो जाता बेटा। इसलिए यहाँ से आर्ट एंड कल्चर ही पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया हिरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं। बड़ा हिरियोजी मंदिर के जो भित्ति चित्रण हैं 16वीं शताब्दी के हैं, 11वीं शताब्दी के हैं, 20वीं शताब्दी के हैं या फिर 8वीं शताब्दी के हैं। तो हिरियोजी मंदिर के जो भित्ति चित्रण मिलते हैं बेटा वो 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, 8वीं शताब्दी यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया विश्वविख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ स्थित है, विश्वविख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ स्थित है बेटा, सारनाथ में, अमरावती में, एलिफेंटा में या फिर सिकरिया में। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर राइट आंसर आप जानते होंगे एलिफेंटा बनेगा। एलिफेंटा वही धारापुरी वाला बेल्ट होता है, धारापुरी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं, पूछ लिया गया बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, बाघ गुफा चित्रों पर कौन सी शैली प्रभावित रही है, मुगल शैली, हसंता शैली, अभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। बेटा बाघ गुफा के चित्रों पर मूल रूप से कौन सी शैली ज्यादा प्रभावित रही है, तो अजंता शैली ज्यादा प्रभावित रही है। अजंता राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं, 54 में पूछा गया है जोगी मारा के चित्र बने हैं, जोगी मारा के चित्र कैसे बने हैं बेटा, छत पे बने, सफ़ेद पृष्ठभूमि पे बने, लाल पृष्ठभूमि पे बने या फिर पीली पृष्ठभूमि पे बने। बेटा जोगी मारा के जो चित्र बने हुए हैं वो किस पे बने हुए हैं, तो कई जगह सफ़ेद पृष्ठभूमि दिखाता है, कई जगह जो है लाल पृष्ठभूमि दिखाता है, लेकिन याद रखना बेटा सफ़ेद पृष्ठभूमि पे हैं और लाल रूपरेखा में बनाए गए हैं, ठीक है। तो सफ़ेद पृष्ठभूमि है बेटा, सफ़ेद पृष्ठभूमि है और लाल रूपरेखा है, लाल रूपरेखा है, रूप रेखा है, तो लाल रूपरेखा है, सफ़ेद पृष्ठभूमि है, जोगी मार्ग ज़्यादातर चित्र इसी पे बने हैं।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 की। 55 में पूछा गया है बेटा, 1847 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। 1847 में अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करने का काम किसका रहा बेटा, रॉबर्ट गिल का रहा, अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा, पर्सी ब्राउन का रहा, या फिर मुकुल चंद्र डे का रहा। 1847 ईस्वी में सबसे पहले वह कौन सा कलाकार है जो अजंता की भित्ति चित्रों को तैयार करने काम करता है, तो रॉबर्ट गिल साहब करते हैं। राइट आंसर रॉबर्ट गिल बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, अजंता की किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा यानी महापरिनिर्वाण स्थित है। बेटा लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस में स्थित है, 29 में, 18 में, 26 में, या फिर 22 में। तो अजंता की कौन से नंबर की गुफा है जिसमें यह डाटा पाया जाता है। आप जानते होंगे गुफा संख्या 26, अजंता गुफा संख्या 26 में मूल रूप से बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण स्थिति में लेटे हुए हैं, और ऐसा दृश्य दर्शाने का काम गुफा संख्या 26 में हुआ है। प्रश्न संख्या 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में कहा जाता है अजंता गुफाएं डाटा डाट के पास स्थित हैं, औरंगाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद, या फिर भोपाल। बेटा अजंता की गुफाएं आप जानते हैं कहाँ पे स्थित हैं, महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, औरंगाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। पूछ लिया गया गोथिक कला शैली मुख्यतया है क्या है बेटा, चित्र शैली, स्थापत्य शैली, मूर्ति शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा गोथिक कला शैली जो है मूल रूप से कौन सी शैली मानी जाती है, तो स्थापत्य शैली मानी जाती है। स्थापत्य शैली राइट आंसर बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी, राजपूत ने, पाल ने, मुगल ने, मौर्य ने। भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत होती है बेटा आपको याद रखना होगा पाल शासकों के द्वारा होती है और पाल पोथियों पे होती है। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। 60 में पूछा जाता है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, नेपाल की है, बिहार की है, उड़ीसा की है, बंगाल की है। बड़ा पाल चित्रकला जो है वो मूल रूप से आप जानते होंगे बंगाल की है, बंगाल बिहार में मूल रूप से फैलती है लेकिन मूल रूप से बंगाल की मानी जाती है। गोपाल जाते हैं, राजा गोपाल वही पाल को जो है इस्टेब्लिश करते हैं, पाल वंश वही इस्टेब्लिश करते हैं। प्रश्न संख्या 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 में कहा जाता है नेहरू सेंटर ऑफ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो नेहरू सेंटर ऑफ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है बेटा, मुंबई में, बेंगलुरु में, गोवा में, या फिर कोलकाता में। तो नेहरू सेंटर ऑफ आर्ट गैलरी मानी जाती है कहाँ स्थित, मुंबई में। राइट आंसर मुंबई बनेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 62 में पूछा जाता है बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ स्थित है, बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ स्थित है बेटा, कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या फिर अहमदाबाद में। बिड़ला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स मूल रूप से माना जाता है बेटा वो कोलकाता में स्थित है, यानी दीदी की नगरी में स्थित है। आजकल थोड़ा हलचल ज़्यादा चल रहा है दीदी की नगरी में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, शायद शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला खुला हुआ है। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में, या फिर गोरखपुर में। बड़ा रवींद्र भारती विश्वविद्यालय मूल रूप से कहाँ पाया जाता है, आप जानते होंगे दीदी की नगरी कोलकाता है, कोलकाता में पाया जाता है, सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रात्रि के प्रहरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, रात्रि के प्रहरी किसकी प्रसिद्ध रचना है, रात्रि के प्रहरी किसकी रचना है बेटा, और रात्रि के प्रहरी प्रसिद्ध रचना है जो एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में रखा हुआ है। तो नीदरलैंड में रखा हुआ है रात्रि की पहली रचना है, किसकी रचना है, रेम्ब्रा की, कुर्बे की, माने की, या फिर कांस्टेबल की। बड़ा रात्रि की पहली को लिखने का काम मूल रूप से रेम्ब्रा का रहा है, रेम्ब्रा की अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, रेम्ब्रा इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 में पूछा जाता है बेटा सूर्योदय का प्रभाव सनराइजिंग वाला किसकी रचना है, जो म्यूजिक मारमोटम मोने, जिसे म्यूजिक मारमोटम मोने पेरिस फ्रांस में रखा हुआ है, सूर्योदय का प्रभाव किसकी रचना है बेटा, सोरा की है, जेरिकाल्ट की है, मोने की है, या फिर डेविड की है। बेटा सूर्योदय का जो प्रभाव दिखाई देता है वो मोने की रचना मानी जाती है। राइट आंसर मोने बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, फाववाद के प्रवर्तक कौन है, फाववाद के प्रवर्तक कौन है, पाल सेजान है, जेरिकाल्ट हैं, हेनरी मातिस हैं, या फिर हम मिल्टन है।
फाववाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हेनरी मातिस अहम माने जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, हेनरी मातिस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है घनवाद के प्रवर्तक कौन है, घनवाद के प्रवर्तक कौन है, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मुख, क्लाद मोनो या फिर जॉर्ज सोरा। बेटा घनवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं आप जानते होंगे, पाब्लो पिकासो राइट आंसर बनेंगे, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। खुदा बकस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, खुदा बकस पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ग्वालियर में, मथुरा में, पटना में, अहमदाबाद में। खुदा बकस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी मूल रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये पटना में पाई जाती है बेटा, पटना राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर, पटना इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन हैं लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, मथुरा। राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय का मानव संग्रहालय जो स्थित है वो भोपाल में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, भोपाल इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 की बात करते हैं। पूछा गया बेटा सेबियर ऑफ द वर्ल्ड पेंटिंग जो 450.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी किसकी रचना है। सेबियर ऑफ द वर्ल्ड पेंटिंग किसकी है बेटा, पॉल सेजा की है, पॉल गॉर्गिन की है, लियोनार्डो द विंची की है या फिर रेम्ब्रांत की है। किसकी रचना है सेबियर ऑफ द वर्ल्ड बेटा, 450.3 मिलियन डॉलर में बिकी है, पैसे नहीं है, 450.3 मिलियन डॉलर है। एक डॉलर की कीमत आप जानते हैं 80-80 रुपये करीब रहती है भारत में, बहुत महंगी है। लियोनार्डो द विंची की रचना है बेटा, ऐसे नहीं लियोनार्डो द विंची बार बार पूछे जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया बैजू बावरा किसकी कलाकृति थी, बैजू बावरा किसकी रचना थी बेटा, किया चारा की, शोभा सिंह की, धनराज भगत की या फिर कनु देसाई की। बैजू बावरा, बैजू बावरा के लिए कौन जो है जिम्मेदार है बेटा, तो आप जानते हैं कनु देसाई जिम्मेदार हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, कनु देसाई इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 में पूछा जाता है फेस्टिवल इन आ स्लम, फेस्टिवल इन आ स्लम किसकी रचना है, के हब्बर की है, एम एफ हुसैन की है, शैलेंद्रनाथ डे की है या फिर एमनी राय की है। फेस्टिवल इन आ स्लम, फेस्टिवल इन आ स्लम किसकी रचना मानी जाती है बेटा, के हब्बर की रचना मानी जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, के हब्बर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। 73 पूछा गया शकुंतला की विदाई किसकी रचना है, शकुंतला की विदाई किसकी रचना है, क्षितिजनाथ मजूमदार, के हब्बर, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल या फिर नंदलाल बोस। बड़ा शकुंतला की विदाई रचना जो मानी जाती है वो श्याम बिहारी अग्रवाल साहब की मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, श्याम बिहारी अग्रवाल इज द राइट आंसर। शकुंतला की विदाई श्याम बिहारी अग्रवाल की रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं बेटा। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की लौ किसकी रचना होती है बेटा, अवनी बाबू की, क्षितिजनाथ मजूमदार की, असित कुमार हल्दर की या फिर शैलेंद्रनाथ डे की। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक के लिए असित कुमार हल्दर जिम्मेदार हैं बेटा। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, संगीत की लौ असित कुमार हल्दर की रचना होती है, बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बसंत विलास में कितने चित्र हैं बेटा, बसंत विलास में कितने चित्र हैं, 79, 69, 89 या फिर 59। राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो बसंत विलास में मूल रूप से जो चित्रों की संख्या है वो 79 है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, 79 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कहा गया रति रहस्योम कामसूत्र, रति रहस्योम कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सबसे पहले बनाए गए। तो रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र जो है मूल रूप से कहाँ बनाए जाते हैं, जैन शैली में, पाल शैली में, राजस्थानी शैली में या फिर पहाड़ी शैली में। बड़ा रति रहस्य और कामसूत्र के लिए सबसे पहले जो डाटा आता है जैन शैली में आता है। राइट आंसर जैन शैली बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मालवा में चोर पंचायशिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है, बाज बहादुर के, निहाल चंद्र के, आनंद कुमार स्वामी के या फिर सिपाही के। बड़ा चोर पंचायशिका का चित्रण जो माना जाता है मूल रूप से किसके बाद जो है अंडर में माना जाता है, बाज बहादुर के अंडर में माना जाता है। राइट आंसर बाज बहादुर बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है,
विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है बेटा? 36 मीटर, 38 मीटर, 26 मीटर या फिर 37.19 मीटर, जिसे हम लोग लगभग 122 फीट मानते हैं। तो भगवान विष्णु की जो है ऊपर निर्मित है, विजय स्तंभ नाम है, 37.19 मीटर लंबा है, जिसे 122 फीट के ऊपर लगभग मान लेते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 79 में पूछा गया है, चांडो रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? चांडो रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन रहे हैं बेटा? महाराजा अमर सिंह रहे हैं, राम सिंह रहे हैं, राणा कुंभा रहे हैं या फिर राज सिंह रहे हैं? बेटा चांडो रागमाला चित्रकारों के जो संरक्षक माने जाते हैं उन्हें हम लोग अमर सिंह के नाम से जानते हैं। अमर सिंह राइट आंसर होंगे, महाराजा अमर सिंह, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 की तरफ बढ़ते हैं। पहला मॉडल पेपर है बेटा ये पहला, और इसमें हम लोग 80वां क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 80 पूछा गया, रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ है? रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ है? किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या फिर अलवर शैली? रुक्मणी हरण का जो चित्रण है बेटा वो किशनगढ़ शैली में हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 81 में क्या पूछा गया है? किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए। राम सिंह, सामंत सिंह, गोपाल सिंह या फिर राज सिंह? बेटा किशनगढ़ शैली के कला कवि और कला मर्मज्ञ शासक कौन है बेटा? तो उनका नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, अच्छा नहीं, सामंत सिंह। राइट आंसर सी बनेगा बेटा, सामंत सिंह इज द राइट आंसर। किशनगढ़ शैली के कला कवि और कला मर्मज्ञ शासक कौन है? तो सामंत सिंह है। राइट आंसर सी बनेगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा। रामलाल, साधुराम, अहमद अली और सुरजान किस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं? कोटा शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली? राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो रामलाल, साधुराल, अहमद अली और सुरजान जो है माने जाते हैं वो बूंदी शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। ए राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं, 83 पूछा गया बेटा, रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में बना हुआ है? रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में बना हुआ है? जयपुर शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली? राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो रासमंडल का सबसे बढ़िया चित्रण जो माना जाता है वो जयपुर शैली माना जाता है। जयपुर शैली राइट आंसर होगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं, 84 पूछा गया, मोहम्मद शाह एवं साहिब राम किस शैली के चित्रकार थे? मोहम्मद शाह एवं साहिब राम किस शैली के चित्रकार थे बेटा? बूंदी शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद शाह और साहिब राम मूल रूप से कौन सी शैली के चित्रकार हैं? जयपुर शैली के चित्रकार हैं बेटा, जयपुर शैली, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं, पूछा गया 85 में, अंजुमंद बानो बेगम किसकी पत्नी थी? अंजुमंद बानो बेगम किसकी पत्नी थी बेटा? शाहजहाँ की, अकबर की, जहांगीर की या फिर बाबर की? अंजुमंद बानो बेगम जो है मानी जाती हैं किसकी पत्नी बेटा? तो किसकी पत्नी हैं ये? आप जानते हैं शाहजहाँ, जिसे हम लोग खुर्रम के नाम से जानते हैं, खुर्रम की पत्नी हैं। खुर्रम शब्द कई बार पूछा गया है, किसका उपनाम है? तो खुर्रम इसी का उपनाम है। किसका? शाहजहाँ का। अंजुमंद बानो बेगम के जो है हस्बैंड का नाम है खुर्रम। राइट आंसर शाहजहाँ बनेंगे, ए इज़ द राइट आंसर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के काल को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं, 86 में पूछा गया, शीश महल चश्मे नूर किसने बनवाया था? शीश महल चश्मे नूर किसने बनवाया बेटा? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने, बाबर ने? तो शीश महल चश्मे नूर को बनवाने का काम किसका रहा है बेटा? शीश महल चश्मे नूर बनवाने का काम जहांगीर का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, जहांगीर इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं, 87 में पूछा जाता है, सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि थी? सीरी कलम किसे कहा जाता था? अबू शमद को, विशन दास को, मनोहर को या फिर धर्मदास को? सीरी कलम जो है किस चित्रकार को माना जाता था? सीरी कलम जो है अबू शमद को कहा जाता था। अबू शमद राइट आंसर होंगे, अबू शमद यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 की तरफ बढ़ते हैं, 88 में पूछा गया है, शाहजहाँ का वह पुत्र जो चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ? ऑप्शंस में है औरंगजेब, हुमायूं, दारा सिकोह, विशन दास। आप जानते होंगे शाहजहाँ का वह पुत्र कौन सा है जो चित्रकला के लिए बहुत प्रेम करता था लेकिन उसकी हत्या बाद में हो जाती है? वह जो है पुत्र था उसका दारा सिकोह। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, दारा सिकोह इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं, 89 यानी 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, युवा शाहजहाँ का चित्र किसने बनाया था? युवा शाहजहाँ को किसने बनाया? ऑप्शन में है अबुल हसन, बिचिस्तर, मंसूर और विशन दास। बेटा युवा शाहजहाँ को बनाने का काम किसका रहा है? अब्दुल हसन का रहा है, यानी अबुल हसन इज द राइट आंसर, ए इज द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 की तरफ पढ़ते हैं। 90 में पूछा जाता है, पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया था। पहाड़ी चित्रों को सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित किया गया, लखनऊ में, इलाहाबाद में, पटना में या फिर बनारस में। बेटा आनंद कॉटेज कुमार स्वामी इसे इलाहाबाद में ले जाते हैं, वहीं प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर सी बनेगा, इलाहाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया बेटा चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है। चंबा नगर कहाँ पे है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, बंगाल में, दिल्ली में। चंबा नगर वर्तमान में मूल रूप से बेटा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में कहा गया राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु रामस्वामी नायडू किस शैली से संबंधित हैं। रामस्वामी नायडू किस शैली से संबंधित हैं, तंजौर शैली, उड़ीसा शैली, कंपनी शैली, कुल्लू शैली। बेटा राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु हैं रामस्वामी नायडू, मूल रूप से इनका संबंध किस शैली से है, तंजौर शैली से है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, हल्के मत लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। पूछा गया भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप, अमरावती स्तूप, पिपरहमा स्तूप या फिर भीतरगांव स्तूप। तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है बेटा, पिपरहमा स्तूप माना जाता है, पिपरहमा स्तूप यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। 94 में कहा गया है द डिसेंट ऑफ गंगेस, द डिसेंट ऑफ गंगेस यानी गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कड़ी रिलीफ मूर्ति कहाँ पे स्थित है बेटा, तो मदुरई में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, महाबलीपुरम में स्थित है या फिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेटा गंगा अवतरण मूल रूप से कहाँ पे चित्रित है, महाबलीपुरम में चित्रित है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछ लिया गया 95 क्वेश्चन में कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है, 7 फीट है, 10 फीट है, 8 फीट है, 6 फीट है। बेटा सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसकी टोटल हाइट जो मानी जाती है वो 2.15 मीटर मानी जाती है, यानी लगभग लगभग 7 फीट मानी जाती है, 7 फीट यानी 2.15 मीटर, 2.15 मीटर लिखा हो या फिर 7 फीट लिखा हो, राइट आंसर वही बनेगा यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, खजुराहो के 85 मंदिरों में से वर्तमान में कितने मंदिर शेष बचे हुए हैं। खजुराहो 85 मंदिर थे, वर्तमान में कितने बचे, 20 बचे, 25 बचे, 22 बचे, 28 बचे। बेटा खजुराहो में वर्तमान समय में 25 मंदिर शेष हैं, 25 यानी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। 97 पूछा गया है बृहदेश्वर मंदिर यानी द्रविड़ शैली में बना है जो जोर में स्थित है, किसने बनवाया था। बेटा बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया ये बताना है आपको, राजराज प्रथम ने, विद्याधर ने, कृष्ण प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने। बेटा बृहदेश्वर जो मंदिर है उसको बनवाने का काम राजराज प्रथम का रहा है, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बनवाया था। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। 98 में पूछा गया है एम एफ हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की। मकबूल फिदा हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण कर ली, 2010 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। 2008 कर लीजिएगा बेटा इसे। तो कतर की नागरिकता मकबूल फिदा हुसैन ने कब ग्रहण की थी बेटा, 2010 का समय था तब इन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली, और राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, वहीं जाकर के बस गए। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। पूछा गया शिव की मुखाकृति किसकी रचना है बेटा, शिव की मुखाकृति किसकी रचना मानी जाती है, नीरज मजूमदार की, हेमंत मिश्रा की, भावेश सान्याल की या फिर गोपाल घोष की। बेटा शिव की मुखाकृति अच्छी रचना मानी जाती है, भावेश सान्याल की रचना है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे लेकिन भावेश सान्याल ही राइट आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट को किसने एस्टेब्लिश किया था, बी सी सान्याल ने, सतीश गुजराल ने, गोपाल घोष ने या फिर धनराज भगत ने। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट को एस्टेब्लिश करने का काम बेटा बी सी सान्याल साहब का रहा है, बी सी सान्याल राइट आंसर बनेंगे यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है इको ऑफ अ सॉन्ग किसकी रचना है। इको ऑफ अ सॉन्ग किसकी रचना है, बी सी सान्याल की है, गोपाल घोष की है, नीरज मजूमदार की है या फिर हेमंत मिश्र की है। बेटा इको ऑफ अ सॉन्ग जो रचना मानी जाती है हेमंत मिश्र की मानी जाती है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, हेमंत मिश्र इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया रामकुमार का जन्म कहाँ हुआ था, 1924 में कहाँ हुआ बेटा। ऑप्शन पंजाब, बनारस, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली। रामकुमार आप जानते होंगे, रामकुमार का जो जन्म
होता है, अच्छे से याद रखना है बेटा, हिमाचल प्रदेश में जन्म होता है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, 1924 का सन होता है, 1924 में हिमाचल प्रदेश में राम कुमार का जन्म होता है, बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं, पूछा गया बेरोजगार किसकी प्रसिद्ध रचना है, बेरोजगार किसकी अच्छी रचना है। ऑप्शन हैं सतीश गुजराल, धनराज भगत, राजकुमार, राजा रवि वर्मा। बेटा बेरोजगार को चित्रित करने का काम रामकुमार का ही रहा है, राइट आंसर रामकुमार बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं, पूछा गया आत्महत्या का पूर्व, यानी आत्महत्या के पूर्व किसकी रचना है। बड़ा आत्महत्या के पूर्व किसकी रचना मानी जाती है। ऑप्शंस में है सतीश गुजराल, एनएस बेंद्रे, के हब्बर, जे राम पटेल। आत्महत्या से पूर्व की रचना जो है वो बेटा सतीश गुजराल की मानी जाती है, सतीश गुजराल राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ये इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं, इंद्र कुमार गुजराल आप जानते होंगे भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। प्रश्न संख्या 115 की नहीं 105 की बात करते हैं, पूछा गया काली लड़की किसकी रचना है, काली लड़की किसकी रचना है। ऑप्शंस में है के सी एस पनिक्कर, अर्पिता सिंह, ए रामचंद्रन, जितेंद्र नाथ मजूमदार। बेटा काली लड़की के लिए जिम्मेदार जो हैं वो के सी एस पनिक्कर हैं, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। के सी एस पनिक्कर का जो है अच्छी रचना मानी जाती है, राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 की तरफ बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अहपन लोक कला किस राज्य की है, अहपन लोक कला किस राज्य की है। ऑप्शंस में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। बेटा अहपन लोक कला जो मानी जाती है वो बिहार राज्य की मानी जाती है, नीतीश बाबू राज्य की अच्छी रूप कला मानी जाती है, बिहार राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं, पूछा गया अमरावती स्तूप का निर्माण काल क्या है। बेटा शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, मुगल काल। बेटा अमरावती स्तूप जो बनाया गया था वो आप जानते होंगे सातवाहनों ने बनवाया, तो राइट आंसर सातवाहन बनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ, विश्व की पहली मस्जिद कहाँ बनी। बेटा ऑप्शंस में है ईरान, सऊदी अरब, महाराष्ट्र, पाकिस्तान। विश्व की पहली मस्जिद का जो निर्माण काल है बेटा वो कब होता है, सऊदी अरब में होता है, राइट आंसर सी के साथ बनेगा, सऊदी अरब इज द राइट आंसर। याद रखना बेटा विविधि का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा। प्रश्न संख्या 109 की बात करते हैं, 109 में पूछा गया है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है, के हब्बर साहब, ए रामचंद्रन, यामिनी राय, नंदलाल बोस। बेटा ग्रीन लोटस पॉन्ड को बनाने का काम किसका रहा है, तो ए रामचंद्रन का रहा है, राइट आंसर ए रामचंद्रन हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं, 110 कहा जाता है फिल्म मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर आप जानते हैं 1970 ईस्वी में आता है, उसके निर्देशक कौन रहे हैं। ऑप्शंस में है राज कपूर, संजय भंसाली, मुकेश झा या फिर मकबूल फिदा हुसैन। बेटा मेरा नाम जोकर को निर्देशित करने का जो काम रहा है वो मूल रूप से किसका रहा है, राज कपूर साहब का रहा है, राइट आंसर ए के साथ बनेगा, राज कपूर इज़ द राइट आंसर। मेरा नाम जोकर 1970 ईस्वी में आती है। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं, 111 की बात करते हैं, पूछा गया मृगनयनी महल कहाँ स्थित है, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ग्वालियर में, इंदौर में, जापान में। अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये गलत होगा बेटा, लेकिन राइट आंसर ग्वालियर है, याद रखना है बेटा, अगर गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब से याद रखिएगा कि जो है मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, सी राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं, पूछ लिया गया विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 26 मार्च, 23 मार्च, 27 मार्च, 1 जुलाई। विश्व थिएटर दिवस की अगर बात करते हैं बेटा तो 27 मार्च को मनाया जाता है, राइट आंसर बी के साथ बनेगा, थिएटर दिवस इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर, 27 मार्च इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं, पूछा गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम क्यूरेटर कौन थे, पहले क्यूरेटर कौन बनाए गए। बेटा तो पहले क्यूरेटर जो नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है, हरमान गोएस्टन, अमिताभ घोष, एडविन लुटियंस या फिर रॉबर्ट स्मिथन। तो बड़ा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के जो पहले क्यूरेटर बनाए जाते हैं, पहले क्यूरेटर का नाम होता है हरमन गोएटस, हरमन गोएटस राइट आंसर बनेंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 की तरफ बढ़ते हैं,
पूछा गया है, सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार को पद्मश्री की उपाधि मिलती है? पद्मश्री से पहले भारतीय चित्रकार कौन हैं जो सम्मानित होते हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर, यामिनी राय, रवि वर्मा, ए रामचंद्रन। बड़ा पद्मश्री पाने वाले पहले भारतीय चित्रकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, सुधीर रंजन खास्तगीर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं, 115 पूछा गया है, एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय कौन सा है बेटा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, आप जानते होंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बॉम्बे आर्ट गैलरी मुंबई। तो बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय माना जाता है वो माना जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं, पूछ लिया गया एग ब्राइंड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? एग ब्राइंड की मूर्ति किसने बनाई बेटा? क्षितिनाथ मजूमदार ने, यामिनी राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, प्रदोषदास गुप्ता ने। एग ब्राइंड की जो मूर्ति है बेटा वो प्रदोषदास गुप्ता की अच्छी रचना मानी जाती है। डी राइट आंसर बनेगा, प्रदोषदास गुप्ता इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं, पूछा गया जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन है? तो जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन माने जाते हैं? प्राणनाथ मांगो, नकुल लोराय या फिर अमृता पाटिल। बड़ा जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ज फॉर फ्रीडम बनाने का जो काम रहा है प्राणनाथ मांगो का रहा है या फिर प्राणनाथ मांगो का रहा है? राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 की बात करते हैं, 118 पूछा गया है रेप ऑफ यूरोपा, रेप ऑफ यूरोपा नामक बोहरक चित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? रेप ऑफ यूरोपा नामक चित्र किसने बनाया बेटा? अमृता पाटिल ने, गांगो ने, टर्सिया ने या फिर पटनायक ने। तो बेटा रेप ऑफ यूरोपा बनाने का जो काम रहा है वो टीसिया का रहा है। टीसिया राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं, पूछा गया तीजन बाई एक .. हैं। तीजन बाई क्या है बेटा? पाड़वनी गायिका हैं, अभिनेत्री हैं, पॉप सिंगर हैं या फिर चित्रकार हैं? आप जानते होंगे तीजन बाई का जो संबंध रहा है बेटा, तीजन बाई का संबंध लोक गायिका के रूप में रहा है या फिर पाड़वनी गायिका के रूप में रहा है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, तीजन बाई यानी पाड़वनी गायिका के रूप में जानी जाती रही हैं। प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं, पूछा गया एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सज्जित छापा चित्र है, एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र कौन सा है? ऑफ वाल्स है, देवी है, चिल्ड्रेन है, भंवर है। एन कृष्णा रेड्डी की अच्छी रचना कौन सी है बेटा? भंवर अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, एन कृष्णा रेड्डी की अच्छी रचना भंवर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं, 121 पूछा गया बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? बसंत विलास के चित्र कहाँ मिलते हैं बेटा? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। बेटा बसंत विलास आप जानते होंगे मोदी का गृह राज्य पहले हुआ करता था गुजरात, वही है बसंत विलास का चित्रण, गुजरात में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं, पूछ लिया गया नेफरी वादन किस शैली का चित्रण है? नेफरी वादन किस शैली का चित्रण है? ऑप्शंस में है अलवर शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली। बेटा नेफरी वादन के लिए जिम्मेदार जो हैं वो अलवर शैली जिम्मेदार है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, अलवर शैली में नेफरी वादन बहुत फेमस चित्र था। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं, पूछा गया संध्या द्वीप किसकी रचना है? संध्या द्वीप किसकी रचना है? गगनेन्द्रनाथ की, अवनींद्रनाथ की, यामिनी राय की या फिर नंदलाल बोस की? बड़ा संध्या द्वीप आप जानते होंगे किसकी रचना है, तो संध्या द्वीप को अवनी बाबू ने लिखा है, यानी अवनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। भारत माता और संध्या गीत एक साथ जो है अवनी बाबू ने लगभग बनाने का प्रयास किया था, बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं, पूछ लिया गया दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानियाँ कौन लिखता है? दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानियाँ कौन लिखता है? ऑप्शंस में है ज्योति भट्ट, जे राम पटेल, जे स्वामीनाथन, के जे सुब्रमण्यम। बड़ा दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानियाँ लिखने का काम जे स्वामीनाथन का रहा है। जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अटाला देवी मस्जिद कहाँ है?
बट अटाला देवी मस्जिद कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कानपुर में, दिल्ली में, जौनपुर में। आप जानते होंगे अटाला देवी मस्जिद जो है विश्व प्रसिद्ध मस्जिद है। कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन कुल मिलाकर के आपके मॉडल पेपर एक में सही हुए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार पुनः कहता हूँ, जो लोग TGT कला की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।